अब देखिए सेक्शन 40, जो संजय दीक्षित साहब जब मेरा गला खराब था तो आप सबको ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे, सेक्शन 40 है वो, जिसमें वक्फ बोर्ड को पावर है कि कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर मैं ज्यादा समय ना ले रहा हूं, मुझे लगता है इस पूरे एक्ट की, वक्फ एक्ट 1995 की ये आत्मा है, और मुझे प्लीज परमिट करिए सेक्शन 40 पढ़ने के लिए। और अगर मैं जी पढ़ के इसको बस अपने भाव में आपको सुनाऊंगा जो एज इट इज एक्ट लिखा है, क्या कहता है। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो वक्फ बोर्ड है वो खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बी वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वो खुद ही डेटा कलेक्ट कर सकता है। और अगर क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या कोई संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो वो खुद ही इंक्वायरी करके उस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है कि नहीं। और जो डिसीजन है वो बोर्ड का, वो फाइनल होगा जब तक कि ट्राइब्यूनल उसको अदरवाइज कोई व्यू ना ले। तीसरा, जो सबसे ज्यादा ड्रेकोनियन डेंजरस प्रोविजन है, वेयर द बोर्ड हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट, अगर बोर्ड को लगता है, रीजन टू बिलीव, अगर बोर्ड को लग गया बादशाह सलामत को, बादशाह सलामत को लग गया कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है, वेयर द बोर्ड हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्टर्ड इन परसुएंस टू इंडियन ट्रस्ट एक्ट और अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट इज वक्फ प्रॉपर्टी, द बोर्ड में नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सच एक्ट होल्ड एन इंक्वायरी इन दैट रिगार्ड टू सच प्रॉपर्टी एंड आफ्टर सच इंक्वायरी द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट सच प्रॉपर्टी द वक्फ प्रॉपर्टी कॉल अपॉन द ट्रस्ट और सोसाइटी एज द केस मे बी टू रजिस्टर सच प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट एंड शो कॉज वाई सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी सो रजिस्टर्ड। मतलब अगर बोर्ड को लग गया कि कोई भी संपत्ति मंदिर की या ट्रस्ट की या सोसाइटी की वक्फ संपत्ति है, तो वो आपको बुलाएगा, इंक्वायरी करेगा और आपको बुलाएगा कि आप बताइए कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति क्यों ना घोषित की जाए, और उसके बाद नोटिस देने के बाद वो उसको घोषित कर देगा कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जा चुकी है। तो ये सेक्शन 40 का प्रोविजन है, और अगर आप सेक्शन 40 के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं तो आप जाइए ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए, और अगर ट्राइब्यूनल उसको अदरवाइज होल्ड कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इसको कंपेयर करते रहिएगा, इस देश के काले कानून को कंपेयर करते रहिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, जो मुस्लिम समाज के लोग रोज मीडिया चैनलों पे कोर्ट में लेते हैं, जहां पे हमें हक भी नहीं है कोर्ट जाने का, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बना हुआ है कि वक्फ संपत्ति कैसे कैसे रजिस्टर हो, अगर खो भी गई है तो कैसे कैसे उसको वापस लिया जाए, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म और सेटअप बना हुआ। इसमें ताजमहल को भी इन्होंने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, शुरू बिल्कुल में सही कह सुना। रहे हैं, ताजमहल को भी 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, इस समय एएसआई अंडर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अब इसके बाद सेक्शन 51, वफ एड का सेक्शन 51, वफ एड का सेक्शन 51 क्या कहता है कि अगर कोई आदमी वफ की संपत्ति को बेच देता है बिना उसकी नॉलेज के, बिना उसकी परमिशन के, तो वो वॉइड होगा। ऐसा कोई भी प्रोविजन हिंदू मंदिर के लिए या हिंदू सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए नहीं है कि अगर आज मैं कोई मंदिर की संपत्ति बिना मंदिर के शिकायत के बेच दूं तो वो वॉइड होगा। आप जाइए कोर्ट में लड़ते रहिए, पर यहाँ तो कोर्ट में, यहाँ तो ऑलरेडी बोर्ड, मंदिर माफी की सारी जमीनें या तो इनक्रोच हो गई हैं, या राज्य सरकारों ने उसको अपने जो है वो टेनेंसी एक्ट में अलॉट कर दिए हैं काश्तकारों को, और या फिर कानून बना के इनक्रोचर्स को अलॉट करने की प्रक्रिया चल रही। अभी अभी ओडिशा में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आप ये देखिए जो अभी मैंने आपको बताया सेक्शन 51 की, अगर कोई आदमी वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना कोई संपत्ति बेचता है तो वॉइड हो, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करिए, अगर मैं कोई मंदिर की संपत्ति बिना मंदिर के इजाजत के बेच देता हूँ तो वो वॉइड होगी, ठीक है। अब उसके लिए अगर संजय दीक्षित साहब एग्रीव्ड हैं, जैसे मैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में एग्रीव्ड था, तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, सूट दायर करना पड़ेगा और एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 52 क्या कहता है, सेक्शन 51 में तो पहली बात वो ट्रांजैक्शन वॉइड है, सेक्शन 52 में आप जान के चौंक जाएंगे,
जो वर्क बोर्ड है, अगर उसको लगता है कि उसकी बिना परमिशन के कोई संपत्ति बेच दी है, वो कलेक्टर को ऑर्डर करेगा कि जाओ उस संपत्ति को वापस मुझे रिकवर करके दो, उसका पोजेशन मुझे दो, ऑब्टेन एंड डिलीवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू इट। उसे कोर्ट नहीं जाना है, दे आर सुपर बॉसेस, उन्हें कोर्ट जाने की, सिविल कोर्ट जाने की, लंबी लीगल लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही ऑर्डर पास कर सकते हैं कलेक्टर को कि ये देखिए इन्होंने संपत्ति बेच दी वक्फ की बिना हमसे परमिशन लिए, और जो भी उस संपत्ति पे इस समय काबिज है उसको हटाइए, उसका पोजेशन मुझे लेके दीजिए, सेक्शन 52। तो इससे ज्यादा बड़ा मुगलिया कानून, इससे ज्यादा बड़ा एक धर्म के तरफ टिल्टेड कानून कौन सा इस देश में हो सकता है, ये सवाल इस देश के पार्लियामेंट से पूछना चाहिए। और इस देश के पार्लियामेंट ने ये कानून पास कैसे होने दिया, इस पे भी सोचना चाहिए। एक सूचना इसके और दे दूं बाद आपको विष्णु जी, जी इस तरह का सर्वशक्तिमान कानून पाकिस्तान में भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर को रिपोर्ट करना है वह बोर्ड को कि साहब आपका जो आपका आदेश था हमने उसका अनुपालन कर दिया है, और ये लीजिए आप पोजेशन वापस लीजिए, आपकी संपत्ति गलत तरीके से चली गई थी। सेक्शन 54, अगर कोई वक्फ संपत्ति को इनक्रोच करता है तो जो वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नोटिस जारी करेगा और कहेगा कि आप इस संपत्ति को वापस करिए, नहीं तो ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन देगा और ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेगा इविक्शन। अपना खुद का इनका मैकेनिज्म बना हुआ है, इनको इस देश की जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इनको सारी पावर्स दे रखी है, सिविल कोर्ट की सारी पावर्स दे रखी है, डीएम एसपी कलेक्टर सब इनके इशारे पे हैं बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि वो इमीडिएटली जाके अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, और कोई संपत्ति में घुसा है तो उसको हटा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 54 के बाद मैं आपको बताऊं सेक्शन 83 ऑफ वफ एक्ट, और आप लोग जान के चौंक जाएंगे। सेक्शन 83 ऑफ वफ एक्ट में इनको पावर दे रखी है वफ ट्राइब्यूनल बनाने की, जैसे मैंने बताया कि ये आर्टिकल 323A के वायलेशन में है, और इस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं है हाई कोर्ट में। आपको अगर हाई कोर्ट जाना है तो रिट पिटिशन में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे 136 में। देर इज नो अपील प्रोवाइडेड अंडर दी एक्ट। कोई आदमी वफ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो आपने उसको एक अपील का राइट भी नहीं दिया। सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बार कर दिया कि अगर कोई मामला वफ ट्राइब्यूनल के उसमें आता है ज्यूरिडिक्शन में तो सिविल कोर्ट का राइट, और उसका सिविल कोर्ट उसको देख ही नहीं सकता है। सिविल कोर्ट तो आम लोगों के लिए, आम हिंदुओं के लिए, ये तो सुपर बॉसेस है। इसके बाद सेक्शन 83 और 85, जैसे मैंने आपको बताया, ये वफ ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसके बाद सेक्शन 89, अगर आप वफ बोर्ड के खिलाफ कोई केस कर रहे हैं तो आपको उनको नोटिस देना पड़ेगा। आपको पता होगा संजय सर तो बहुत लॉ के जानकार हैं, मैं उनका खुद से बहुत सम्मान करता हूँ। अगर मैं आज सिविल कोर्ट में कोई सूट दायर करूं सरकार के खिलाफ तो मुझे 2 महीने की नोटिस देनी पड़ती, सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। उसी तरह से वफ बोर्ड को रखा गया कि अगर आप वफ बोर्ड के खिलाफ कोई केस दायर कर रहे हैं तो पहले इन बादशाह सलामत को 2 महीने की नोटिस दीजिए कि हुजूरे ताला हुजूरे वाला हम आपके खिलाफ केस करने जा रहे हैं, ये 2 महीने की नोटिस लीजिए और उसके बाद आप अपनी तैयारी कर लीजिए, और फिर जब आप कोर्ट में केस दायर करेंगे सिविल कोर्ट में तो वो आएंगे। काशी के केस में हमने इनको नोटिस दी, उसके बाद केस दायर किया है। मथुरा के केस में हमने इनको सेक्शन 89 में नोटिस दी, उसके बाद केस दायर किया और 2 महीने वेट किया, उसके बाद हमने ये केस दायर किया है। दे आर जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट। इसके बाद सेक्शन 92, अगर किसी केस में वफ बोर्ड पार्टी नहीं भी है और उनको लगता है बैठे बैठे कि ये संपत्ति वफ संपत्ति है, तो एज अ मैटर ऑफ राइट वो किसी भी सूट में पार्टी बन सकते हैं और वो उनकी अपनी बात बोल सकते हैं और उनको सुना जा सकता है। सिविल कोर्ट इज बाउंड टू हेयर देम, सेक्शन 92 ऑफ वफ एक्ट। अगर आप आज मंदिर मठ के खिलाफ कोई केस दायर करें और ट्रस्ट को पार्टी ना बनाए या मठ को पार्टी ना बनाए, तो मठ अगर कोर्ट में जाएगा कहेगा कि साहब हमारी संपत्ति घोषित हो रही है, तो कहेंगे आप एप्लीकेशन दीजिए ना पार्टी बनने के लिए, पर यहाँ पे एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ राइट यू विल बी हर्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 92 ऑफ द वर्फ एक्ट 1995। इसके बाद आप जान के चौंक जाएंगे संजय सर कि ये कैसा कानून है। सेक्शन 101,
सेक्शन 101 वफ एक्ट, वफ बोर्ड के जो लोग हैं मुतवल्ली हैं, जिसमें वफ डीड में जिसका नाम है वो सब पब्लिक सर्वेंट है। मतलब आप अगर उनको चाटा भी मार देंगे तो आईपीसी के तहत ऑफेंस होगा। और हम सवाल पूछा जाए, हमारे पुजारी, हमारे पुरोहित, हमारे पंडित, हमारे शंकराचार्य, हमारे महंत, क्या किसी को आपने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है? एक ही सवाल, एक ही जवाब मिलेगा, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया। तो और उसके अलावा मुतवल्ली, जो भी आपने पब्लिक मुतवल्ली है, सारे मुतवल्ली पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 101 ऑफ वर्क एक्ट 1995, अब हर वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली पब्लिक सर्वेंट है। जिसका वर्क डीड में नाम भी है, जिसका वर्क डीड में नाम भी है, वो भी पब्लिक सर्वेंट। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो सर्वे कमिश्नर मैंने बताया सेक्शन 4 में, वो भी पब्लिक सर्वेंट। द तो सर्वे कई लाख कमिश्नर पब्लिक मेंबर सर्वेंट ऑफ द हमें मिल गए बोर्ड, हैं, मतलब कई लाख पब्लिक सर्वेंट मिल गए हैं। कई लाख। द सर्वे कमिश्नर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, एवरी ऑफिसर, एवरी ऑडिटर ऑफ द बोर्ड एंड एवरी अदर पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड टू डिस्चार्ज एनी ड्यूटीज इम्पोज ऑन हिम बाय दिस एक्ट और एनी अदर रूल और ऑर्डर मेड अंडर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। ये सेक्शन 101 कहता है, एवरी मुतवल्ली ऑफ वफ, एवरी मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी वेदर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड और अंडर एनी डीड, एवरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एवरी पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस इन वफ शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। सर मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा लिखा नहीं हुआ है सेक्शन 101 वफ एक्ट, मेरा इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, जो एज इट इज लॉ लिखा है मैं तो वो पढ़ के सुना। इसके बाद सर सेक्शन 107, आपको पता है हम लोगों के लिए मियाद है कि अगर कोई आदमी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई उसकी जमीन चली गई है तो उसको एक समय सीमा के अंदर विद इन बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, जो समय सीमा दी उसके अंदर आपको कोर्ट जाना है। अगर उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं तो आपकी रेमेडी जो है वो बार हो जाएगी। पर इसके अलावा सेक्शन 107 में वफ एक्ट पे, वफ बोर्ड पे या वफ संपत्तियों पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनको जब मन करे, जब दिल करे वो कोर्ट जा सकते हैं और लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ये बात सेक्शन 107 में लिखी। अब मैं आपको ये बता दूं कि वफ बोर्ड में कौन कौन लोग रहेंगे और इसका पूरा गठन वफ बोर्ड का सेक्शन 14 में मेंशन्ड है, और उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। इसमें मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम मेंबर ऑफ बार काउंसिल, मुतवल्ली, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम ज्वाइंट सेक्रेटरी फ्रॉम द स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वह बोर्ड पूरा धर्म के नाम पे बना हुआ बोर्ड है और जो धर्म के नाम पे काम करता है, जो सारे अथॉरिटीज, कलेक्टर, डीएम सबको ये हुक्म देता है कि उनके आदेश की, उनके उनके आदेश की तामील की जाए और इस देश की संसद, इस देश का पार्लियामेंट, इस देश का सेकुलर संविधान मौन करके चुप बैठा हुआ है और इनकी देख रहा है और इनके मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं और इसके लिए लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम कैसे वह बोर्ड के मेंबर बने, मिनिस्टर बने और उन सबको पब्लिक सर्वेंट और सारी सरकारी सुविधाएं दी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसी सुविधाएं हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? ऐसी सुविधाएं या ऐसा एक्ट, आप ऐसा काम हम लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या हम और आप हम जिम्मी हैं, लोग मुगल रह रहे हैं? हम और आप जिम्मी हैं साहब, हम और आप जिम्मी हैं। हमें सिर्फ जजिया देने देकर जिंदा रहने का अधिकार है, इसीलिए यह औरंगजेब का कानून बना हुआ है।